अब जब सच सबके सामने आ ही चुका है तो तुम सब बताओ क्या सजा मिलनी चाहिए इसे। शिखर की तरफ अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए एरिका ये बात कहती है। शिखर का शरीर मानो अंदर ही अंदर से कमजोर पड़ गया था। कप्तान की बात सुनने के बाद यही सोचते हुए कि कहीं मैंने सच में कल रात शराब के नशे में, शिखर अपना सर पकड़ लेता है, अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा। अनन्या कप्तान से झिझकते हुए पूछती है, फिर आगे क्या हुआ? कप्तान अपना सर झुकाते हुए जवाब देता है, मैंने दरवाजा खटखटाया मगर शिखर सर ने मुझे काम से निकालने की धमकी देते हुए भेज दिया वहां से। मैं जा ही रहा था कि वहां एरिका मैडम आई और ठीक मेरी तरह दरवाजा खटखटाने लगी। मैं वहां से निकल गया। मेरे पास इस नौकरी के अलावा और कोई काम भी नहीं है। मैं किसी भी हालत में ये नौकरी नहीं खो सकता था, इसलिए। ये सुन शिखर शर्मिंदगी में अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लेता है और अनन्या अपने खुले मुंह को हाथों से ढकते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है कि इतने में एरिका बोल पड़ती है, कमरे के बाहर से मैं दरवाजा खोलने की भीख मांग रही थी और अंदर से निधि के रोने की आवाज आ रही थी और थोड़ी देर बाद दरवाजा खोलते हुए शिखर बाहर निकला हंसते हुए और अपने कमरे की ओर चला गया। एरिका की इस बात पर शीना अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछती है, अगर ऐसी बात थी तो कल रात तभी हमें क्यों नहीं बुलाया तुमने? एरिका शीना की आंखों में आंखें डाले कहती है, क्योंकि मुझे पता था तुम लोगों से कोई मदद नहीं मिलने वाली। तुम लोग तो सच जानने के बाद भी अब तक इसका पक्ष ले रहे हो। शिखर ये सोचते हुए वापस खड़ा होता है और कहता है, ऐसे में ये बात और बढ़ते जाएगी, इसे अकेले में आराम से सुलझाना होगा। और एरिका से पूछता है, क्या मैं थोड़ी देर अकेले में तुम दोनों से इस बारे में बात कर सकता हूँ? एरिका अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए कहती है, ठीक है, मुझे भी जानना है क्या बोलना है तुम्हें। शिखर और एरिका कमरे में घुस जाते हैं। अंदर निधि आंसू भरी आंखों से शिखर की ओर देखती है और एरिका तुरंत कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। कमरे के अंदर शिखर निधि से अपनी आंखें तक नहीं मिला पा रहा है। निधि को देखकर बार बार शिखर के मन में यही सवाल आ रहा था कि क्या सच में कल रात नशे में मैंने इसके साथ कुछ गलत किया। निधि दुबकी हुई बिस्तर के कोने में अपने हाथों से अपना मुंह छुपाए हुए बैठी थी। तभी एरिका अपनी आवाज बदलते हुए कहती है, हमें आज रात तक 5 करोड़ चाहिए चुप रहने के, वरना ये बात मीडिया से लेकर बाकी हर जगह फैला दी जाएगी। शिखर जैसे ही ये बात सुनता है पलट कर एरिका को उंगली दिखाते हुए कहता है, मुझे पता था तुम दोनों की चाल है ये बस मुझसे पैसे ऐंठने के लिए। एरिका शिखर के होठों पर हाथ फेरते हुए कहती है, गलती तो तुमसे हुई है कल रात, मैं तो बस मौके का फायदा उठा रही हूँ। इस गलती का हर्जाना पूरे 5 करोड़ भरना होगा तुम्हें। शिखर एरिका का हाथ पकड़ बोलता है, तुम्हारी हर बात से मुझे कपट की बू आ रही है, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। एरिका अपनी आवाज बढ़ाते हुए बोली, अगर ऐसा कुछ सोचा भी तो जीना मुश्किल कर देंगे हम, तुम्हारे इज्जत की जो धज्जियां उड़ाएंगे बाजार में, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तभी चुप बैठी निधि बोल पड़ती है, बस करो, नहीं चाहिए मुझे कोई पैसे। इसको जब इसकी गलती का पछतावा ही नहीं है तो क्या फायदा, मुझे पैसे नहीं इंसाफ चाहिए। निधि चलते हुए शिखर के करीब आती है और कहती है, रखो अपने पैसे अपने पास, मुझे बस इस बात का जवाब दे दो कि क्यों, आखिर क्यों, क्या गलती थी मेरी जो मेरे साथ ऐसा किया। निधि की इस बात ने मानो शिखर को बेजुबान कर दिया हो। निधि फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है और एरिका उसके पास आकर उसे संभालते हुए कहती है, इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो तुम कि तुम्हें इसका दर्द भी नजर नहीं आ रहा। ये देख शिखर को भी इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि कल रात नशे में जरूर उसने निधि के साथ कुछ गलत किया है। शिखर मानो हार सा गया था, अपनी आंखें नीची करके बोलता है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ और साथ ही जैसे हम शहर के पास पहुंचेंगे मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह भी कबूल कर लूंगा। एरिका के मन में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। शिखर उसके जाल में पूरी तरह फंस चुका था। निधि भी अपनी जीत की खुशी में अपने मुंह का कोना सिकोड़ते हुए हंस रही थी। एरिका एक सादे से आवाज के साथ बोलती है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, मगर हम यहाँ और एक पल भी नहीं रुकने वाले, थोड़ी देर में हम अपने लिए पिकअप बोट बुला रहे हैं, पैसे तैयार रखो। इतना बोल एरिका संभालते हुए निधि को उठाती है जो नीचे बैठी हुई थी और बेड पर उसे बिठाती है। अचानक से शिप ऊपर नीचे होने लगता है। बाहर समंदर में कुछ बड़ी लहरें उठ रही थी। शिखर और दोनों मॉडल्स बेड पकड़ अपने आप को संभालते हैं। तभी बेड के बगल में रखा निधि का पर्स नीचे गिरता है और उसके अंदर का सारा सामान बाहर बिखर जाता है। शिखर की नजर जैसे ही उसके पर्स के गिरे सामान पर पड़ती है उसे इन दोनों की सारी चाल समझ में आ जाती है। शिखर भी सर झुका मन ही मन हंसने लगता है और सोचता है, अच्छा तो ये नाटक चल रहा है।
सही वक्त पर सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो जिंदगी भर इस बात से उभर नहीं पाता। अब अपने किए पर पछताने की बारी इन दोनों की है। यही सोच शिखर वापस से उदासी भरे आवाज में कहता है, ठीक है फिर, मेरे पास बैग में 5 करोड़ नकद रखे हैं कमरे में, थोड़ी देर में बाहर मिलो मुझसे, मैं वो बैग तुम्हें दे दूंगा। इतना बोल शिखर कमरे का दरवाजा खोलता है और वहां से निकल जाता है। उसे पता था अब सच सबके सामने कैसे लाना है। आखिर शिखर को ऐसा क्या दिख गया था जो वो इतना यकीन से कह सकता था कि वो गुनहगार नहीं है। शिखर कमरे के बाहर जैसे ही आता है सभी उसकी तरफ देखते हैं, मानो किसी जवाब का इंतजार कर रहे हो। शिखर रवि को देख बस इतना कहता है, मेरे साथ चलो, कुछ जरूरी काम है। अनन्या कुछ पूछने ही वाली होती है कि शिखर कहता है, तुम सबके सवालों का जवाब थोड़ी देर में मिल जाएगा, और रवि के साथ शिखर वहां से चला जाता है। दूसरे कमरे में आकर शिखर रवि एक दूसरे से बात करते हैं। वो दोनों झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, रवि शिखर को बताता है। अपने कमरे में बैठा शिखर तुरंत रवि की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? रवि उसके पास बैठते हुए कहता है, क्योंकि बबीता के साथ जो भी हुआ उसके बाद मैं डेक पर था पूरी रात। अगर वो दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रही होती तो मुझे आवाज आ गई होती। शिखर अपनी भौहें उठाते हुए रवि को देखता है। कमाल है, मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने के लिए प्लान तो उन्होंने खूब बनाया, मगर अपनी छोटी छोटी गलती की वजह से मात खा गए। तुम सही कह रहे हो, वो दोनों झूठ बोल रही है। रवि चौंकते हुए शिखर की तरफ अपना सर आगे करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता झूठ बोल रही है? शिखर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए कहता है, सब बताता हूँ, पहले कुछ करना होगा तुझे सच सामने लाने के लिए। रवि उत्सुकता से कहता है, बताना क्या करना है, मैं तैयार हूँ। शिखर रवि के कान में अपना प्लान फुसफुसाता है, जिसे सुन संकोच भरा रवि कहता है, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, बहुत मुश्किल है, मुझ पे भरोसा रखो। इतना बोल शिखर खड़ा हो जाता है और रवि भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। डेक पर सभी बैठे हुए हैं, अनन्या, शीना, बबीता और कप्तान भी। शिप अपनी जगह पर ही खड़ी है। कप्तान शिप को मोड़ वापस किनारे चलने के आदेश का इंतजार कर रहा है। इतना तो सबको पता चल ही चुका है कि अब पार्टी बीच में रोक वापस जाने का समय आ चुका है। रवि भागते हुए सबके पास आता है और हांफते हुए बोलता है, सारा मामला सुलझ चुका है, अब सब ठीक है, शिखर और मॉडल्स ने आपस में डील कर लिया है। मॉडल्स शिखर के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं कराएगी और इस बारे में आज के बाद कोई बात नहीं करेगा। शीना हैरानी में अपनी बाहें फैलाते हुए पूछती है, क्या डील, ऐसा क्या हो गया अचानक से? बबीता भी बोल पड़ती है, पैसे खिलाए होंगे और क्या, और आता ही क्या है ना पैसों का रौब दिखाते हुए दूसरों को शांत करने के अलावा। रवि बबीता की इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जवाब देना तो दूर की बात, रवि अपनी नजरें उठाकर बबीता की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस शीना को धीमी आवाज में इतना सा जवाब देता है कि सारी बात थोड़ी देर में सबको बता दी जाएगी, और वापस मॉडल्स के कमरे की ओर चल देता है। वहां बैठे सब लोगों ने इस बात को सुनने के बाद शिखर को मन ही मन दोषी मान लिया था। शीना का दिल ये बात मानने को अब भी राजी नहीं था और वो अपने फोन से शिखर को एक संदेश भेजती है, क्या तुमने सच में? दूसरी ओर से शिखर का जवाब आता है, मैं जल्द ही इनका झूठ सबके सामने लाने वाला हूँ। शिखर हाथ में एक ट्रे पर 2 ग्लास जूस लिए मॉडल्स के कमरे के अंदर आता है और जूस निधि को थमाते हुए कहता है, मुझे पता है कल रात से तुम दोनों ने कुछ खाया नहीं होगा। एरिका शिखर के हाथ से जूस लेते हुए पूछती है, पैसे कहाँ हैं, तुम तो लाने गए थे ना? शिखर अपनी भारी आवाज करते हुए कहता है, वो दरअसल मैं एक बार में तुम दोनों से सबके सामने माफी मांगना चाहता हूँ जो भी हुआ उसके लिए, और सबके सामने आकर जब तुम दोनों मुझे माफ कर दोगी उसके बाद पैसे तुम्हारे पिकअप बोट में रखवा दिए जाएंगे। एरिका भी सर हिलाते हुए कहती है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, और अपने जूस की चुस्की लेती है। कमरे के बाहर रवि खड़ा था, किसी के इंतजार में इधर से उधर किए जा रहा था। तभी वहां कोई आता है और उसे देखकर रवि की आंखों में चमक आती है। कप्तान, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रवि कप्तान के सामने खड़े होते हुए पूछता है। वो सर, मुझे भी कुछ बात करनी थी मॉडल से। ये बोल कप्तान कमरे की ओर बढ़ने लगता है। उसका रास्ता रोकते हुए रवि कहता है, अभी तो नहीं हो सकता ये, थोड़ी देर बाद, प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, कुछ जरूरी काम था, कप्तान रिक्वेस्ट करता है। रवि आंख मारते हुए कहता है, अरे समझ क्यों नहीं रहे, शिखर अंदर है उसके साथ, पर कमरा अंदर से बंद है, डील चल रही है दोनों के बीच, और एक ठरक भरी हंसी हंसता है। ये सुन कप्तान का बर्ताव थोड़ा सा बदल जाता है। क्या बोल रहे हो आप? रवि एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, झूठ मैं बोलना नहीं चाहता और सच तुम सुनना नहीं चाहते। रवि की इस बात से मानो कप्तान को मिर्ची लग गई हो।
और वो रवि को धक्का देते हुए सीधे कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से शिखर की आवाज आती है, कौन है, कौन है जो चैन से दो पल मजे भी नहीं लेने दे रहा मुझे? रवि क्या कर रहा है बाहर तू? कप्तान को एक झटका लगा शिखर की इस बात से, उसका पूरा शरीर मानो सुन पड़ गया हो। रवि कप्तान को यहाँ से अपने साथ खींचते हुए शिखर के कमरे से दूर ले जाता है। अंदर कमरे में शिखर अकेला बैठा था और उसके बगल में निधि और अरिका उसके जूस में मिलाए नींद की गोली की वजह से बेहोश पड़ी थी। शिखर को रवि का एक संदेश आता है और वो समझ जाता है कि प्लान का आखिरी पड़ाव शुरू हो चुका है और वहां से उठकर अपने कमरे की ओर निकल पड़ता है। शिखर के कमरे में बैठे रवि कप्तान से पूछ रहा था, अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या तुझे? तभी शिखर अंदर आता है। शिखर को देख कप्तान अपने आप को संभालते हुए माफी मांगने लगता है, कुछ जरूरी काम था इसलिए मैंने दरवाजा खटखटाया। हाँ ठीक है, आगे से ध्यान रखना। इतना बोल शिखर कप्तान को नजरअंदाज करते हुए रवि से बोला, वो तो मुझसे शादी तक करने को राजी है, मैं भी हाँ बोलने का सोच रहा हूँ। ये देख रिंग भी दे दिया उसने मुझे तो। शिखर अपनी जेब से अंगूठी निकाल रवि को दिखाता है। अंगूठी देख मानो कप्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये उसकी खानदानी अंगूठी थी, ऐसा नहीं हो सकता। ये बोल कप्तान लपक कर शिखर के हाथ से वो अंगूठी ले लेता है। रवि पलट कर उसके हाथ से अंगूठी छीन उसका कॉलर पकड़ लेता है। दिमाग तो सही है ना तेरा? कप्तान की आंखों से आंसू निकल आए थे और वो कहता है, वो सब धोखा है, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। शिखर और रवि के कान में जैसे ही ये शब्द पड़ते हैं दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, मानो मन ही मन कह रहे हो प्लान कामयाब हुआ। शिखर सोचता है, अच्छा हुआ सही समय पर निधि के बैग से ये रिंग गिरता देख लिया था मैंने। दोनों की सांस में सांस आई ही थी कि कप्तान की अगली बात ने उन दोनों के होश फिर से उड़ा दिए। कप्तान अपने आप को संभालता है और शिखर की तरफ उंगली करते हुए कहता है, ये सब आप दोनों की चाल है। शिखर का दिल तेजी से धड़कने लगता है, उसके मन में सिर्फ एक ही बात आती है, अगर ये प्लान फेल हो गया तो और कोई रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास। क्या शिखर और रवि का प्लान फेल हो गया था? अब क्या करेंगे रवि और शिखर अपने ऊपर से इस झूठे इल्जाम हटाने को? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय।